बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली को लेकर भूचाल मचा हुआ है। सौरव गांगुली की जगह रॉजर बिन्नी का अध्यक्ष बनना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। तो दूसरी ओर इस पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति तेज हो गई है। टीएमसी ने पद से हटने को लेकर दादा का अपमान बताया। उनका कहना है कि अगर जय शाह सचिव बने रह सकते हैं तो सौरव गांगुली क्यों नहीं। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तक जो नॉमिनेशन हुए हैं वो प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर रोजर बन्नी का, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेरा, सेक्रेटरी के लिए जय साय का और ट्रेजरर के लिए आशीष सेलार का, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मिस्टर सैकिया का और गवर्निंग काउंसिल आईपीएल के लिए मिस्टर अनुराग ठाकुर का, अरुण धूमल का आईपीएल के लिए, गवर्निंग काउंसिल के लिए और मिक्की का, मिक्की डालमिया का, अभिषेक डालमिया का और एपेक्स काउंसिल के लिए जो है वो जो पहले हमारे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में थे नॉर्थ ईस्ट से, मैमून उनका हुआ है। तो अभी तक ये नॉमिनेशन आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा मेहता है फोन लाइन पर पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, वैसे क्रिकेट मैदान पर सियासत कोई नई बात नहीं है, पर इस बार तो बीसीसीआई अध्यक्ष के नाम पर सियासत हो रही है और बाकायदा टीएमसी भी यहां पर आरोप लगा रही है। बीजेपी के बीच में भी एक सियासी हमें यहां पर मैच देखने को मिल रहा है। टीएमसी कह रही है कि जानबूझकर यहां पर गांगुली को सचिव, माफ कीजिए, अध्यक्ष नहीं बनाया दे रहा है क्योंकि वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूं, ये जो बीसीसीआई की मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है, क्या खबरें अंदर से आ रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि गांगुली ने मना कर दिया आईपीएल चेयरमैन का पद जो उन्हें ऑफर किया जा रहा था उससे, क्योंकि वो बीसीसीआई या फिर आईसीसी चेयरमैन पद चाहते थे। देखिए, आपको बता दें ये पहली बार नहीं है कि इस पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में सेंटर हो सौरव गांगुली। आपको याद होगा 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टी, फिर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों पक्ष ये कोशिश कर रहे थे कि उनके खेमे में सौरव गांगुली को लाया जाए। लेकिन सौरव गांगुली ने ये पूरे स्पेकुलेशन को दरकिनार करके साफ कह दिया था कि वो राजनीति जो है नहीं ज्वाइन करेंगे और अपना करियर में ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके बाद हमने कुछ और तस्वीरें देखी। कुछ महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह जब कोलकाता के दौरे पर पहुंचे थे तो सौरव गांगुली के घर पहुंचे तो उनके फैमिली के साथ उन्होंने भोजन भी किया। तब लगातार तृणमूल कांग्रेस से कहा जा रहा था कि बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है कि सौरव गांगुली को अपने खेमे में लिया जाए। लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट सामने आ रही है कि सौरव गांगुली इस पद में नहीं बने रहेंगे, उनका कार्यकाल अब खत्म हो सकता है, तो तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी है शांतनु सेन, उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि सौरव गांगुली ने बीजेपी नहीं ज्वाइन किया इसलिए उनका कार्यकाल जो है नहीं और वो इस पद में नहीं बने रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जय शाह पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सौरव गांगुली अपने पद पे नहीं कंटिन्यू कर सकते तो जय शाह को भी अपना पद जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, आखिरकार क्यों वो अपने पद पर जो है वो बने रहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे पूजा फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो क्या निष्कर्ष निकलकर आता है, कौन बनता है बीसीसीआई का अध्यक्ष, इसको लेकर अब कुछ समय के बाद तस्वीर तो साफ हो जाएगी। सौरव गांगुली को लेकर हालांकि खींचतान जरूर मची हुई है, लेकिन इस बीच रॉजर बिन्नी का नाम अध्यक्ष पद के तौर पर जरूर सामने आ रहा है। अपडेट आपको इस पूरी खबर पर देते रहेंगे।